हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गुड वर्ल्ड। दोस्तों मैं आया हूँ रिच गोट फार्म मुमरा में और मुलाकात करने जा रहे हैं अमजद भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अमजद भाई कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा, पिछली बार अपने काफ़ी अच्छे बकरे आए थे, एक क्वांटिटी में, एक बड़े एरिया में, एक मैं बोल सकता हूँ कि बड़े पैमाने पर अपने बकरे उतरे थे मुमरा में। सर ये अपना सेकेंड ईयर से कि आपका हमेशा से चलता है? ये हमारा तीसरा साल है। तीसरा साल है, एक मिनट अच्छी तो रोशनी आ रही है आपके फेस पे जी। ये अपना तीसरा साल है रिच गोट फार्म। ओके, सो अपने बकरे कहाँ कहाँ उतरे हैं, मुमरा और कहीं है? अपने बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल अच्छा रिस्पांस मिला था तो इस साल हमने एक हमारा काउंटर मुमरा में है और एक हमने भिवंडी में डाला हुआ है। ओके, हाँ सो भिवंडी में रोशन बाग में। ओके, हाँ मोहम्मदी मस्जिद है उसके बाजू में है। सो उसके लिए अगर किसको कांटेक्ट करना है तो आप ही को करें या? हाँ, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आप गाइड कर लोगे कैसा जाना है। करेक्ट जी। अच्छा, हमने पे लास्ट टाइम बकरे का जो प्राइस चल रहा था, रिच गोट फार्म पे एक अच्छा प्राइस आपने ओपन किए थे जो पब्लिक ने काफी पसंद किया था, इस बार भी प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस बार प्राइस पिछले बार के मुकाबले तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने रीजनेबल ही रखा है। ओके, हाँ मार्केट को देखते हैं। ठीक है, हम पहले बकरे देख लेते हैं फिर प्राइस की बात कर लेते हैं। बकरे, अच्छा अपने एक ये गाले में और एक बाजू के गाले में भी बकरा? एक बाजू में है। ओके, इसमें मैं अगर वेट की बात की तो क्या वजन से बकरे शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक के? इसमें 55 से लेकर के 85 केजी के बकरे हैं जी। और ये पूरा सिरोही अजमेर यही लॉट है? हाँ, मिक्स है, इसमें गुजरी भी है। अच्छा, गुजरी भी है, राइट। हाँ, ये वाला पकड़ सकते हैं, मैं समझ गया। पकड़ पकड़ बोल रहा हूँ अमजद भाई। मौजम भाई ने जो बकरा पकड़े है, हाँ माशाल्लाह, वो इतने बड़े फ्रेम में है कि मुझे अच्छा खासा डिस्टेंस बना के करना पड़ रहा है इसको फ्रेम में लेने के लिए। काफ़ी हाइटेड बकरा है, काफ़ी हाइट में है, सही माशाल्लाह। भाई क्या वेट रहेगा, क्या डिटेल रहेगी इसकी? इसका वेट जो है 85 का है। 85 वेट पे? चार दांत का बच्चा है। अच्छा, अभी चार दांत नहीं है? हाँ, मेरे को ऐसा लगा पूरे दांत किया है क्योंकि जो फ्रेम वगैरह हाइट ले लिया इसने और जितना जगह है उसके अंदर। अगर ये तो कुर्बानी का ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अगर कोई आगे पालना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज़ है। इतने बड़े फ्रेम में बकरा वजन भी उतना अच्छा खोलेगा, काफी अच्छा अगर पालने के लिए कोई अगर लेके जाता है जी तो ये अच्छा वेट होगा इसका। ये जो रहेगा अपना नक के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं या नहीं? अभी देखो, नक से भी हम बेच सकते हैं, बेचते हैं, कोई कस्टमर आ जाते हैं नक के लिए इंसिस्ट करते हैं तो हम नक से भी बेचते हैं, लेकिन मोस्टली हम वेट भी प्रेफर करते हैं वेट के लिए। ओके, सो हमारे पास छोटे बकरे भी है बाजू के, छोटे बकरे भी है, बड़े भी है, जैसे कि इसमें काफी बड़े बड़े रेंज में बकरे हैं हैवी में जो पसंद करता है, तो इसमें क्या प्राइस होगा? इसमें इसका प्राइस हमने जो खोला है 480 का। अच्छा, 480 जो है बड़े बकरों का प्राइस है। हाँ, ये क्या 60 अबव है, क्या है? 50 अबव 480, 50 अबव 480, बिलो 50 हमने 460 का रखा हुआ है। 460 रखे हैं जी। ये बकरा देखो, ओ माशाल्लाह, ये क्या वेट में रहेगा? वही 75, ये भी लगभग 84-85 के आसपास है। अमित भाई ये बॉम्बे में आके कितना टाइम हो गया? ये 5 दिन हो गए इनको आकर। 5 दिन हो गए जी, अभी बकरे सेट हो चुके हैं माशाल्लाह जी। और हाइट क्या है दोनों की? 40 के आसपास की है लगभग ये, 40, हाँ 40 के आसपास, के आसपास ये भी है और वो, और एक बड़े फ्रेम में हमने देखा है। थोड़ा सा और आगे चल के हम देख लेते हैं। अच्छा, कुछ सोजत भी है दो चार? हाँ, सोजत ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 होंगे, 3 या 4 सोजत भी नज़र आ रहे हैं। ये छोटे साइज में है। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, सिरोही है ये बकरा देखो, माशाल्लाह काफी भरा हुआ बकरा, 460 और 480 बताया ना। हाँ, मुझे तो ये बीच में भी काफी खूबसूरत बकरा खड़ा है। हाँ,
माशाल्लाह काफी अच्छा लग रहा है। जो अबलग बोलते हैं एग्जैक्टली वही है। अच्छा ये थोड़ा फैमिलियर्स नहीं होते अपने इंसानों से, इसलिए दूर भाग जाते हैं, इनको मालूम पड़ता है कि इनका ही चोट करते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत बच्चा है, बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत के हिसाब से देखे थे बकरे माशाल्लाह सारे खूबसूरत है। अच्छा पिछली बार फिर भी थोड़े अपने बकरे कुछ मेरे को नरम दिखे थे जो हम कॉर्नर में एक आइसोलेट करके रखे थे, इस बार माशाल्लाह सभी हेल्दी है, सभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक भी बकरे बीमार नहीं हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहना चाहिए। और चीज़ तो अंदर चल के देखते हैं, पीछे में भी बकरे काफ़ी अच्छे हैं। ये हमारे लॉट का सबसे बड़ा बकरा है ये। अच्छा हाँ 41 की हाइट है इसकी और 93 केजी का वेट है उसका। 93 केजी। और ये वेट आपने मतलब बॉम्बे में किया या आपने जैसे परचेस किया था वहाँ किया हुआ है? यहाँ बॉम्बे में भी हमने किया है, वहाँ पर भी किया, वहाँ पर वो 94 था, अभी 1 किलो इसने वजन कम किया है। अच्छा तो अभी 91 है? अभी 91 है, 91 92 तक है, 91 92 में है, काफ़ी बड़े फ्रेम में है अभी भी ये जी। और ये सारे ही आपने क्या प्राइस बताया, क्या पड़ेगा बड़े बकरे? बड़े बकरे जो है 480 हाँ, जो 50 प्लस है, बिलो 50 वाले जो बकरे हैं वो 460 और अंदर आ जाते हैं भाई थोड़ा, अभी सब खुद ही भागना शुरू हो जाएंगे। तो लॉट ही लॉट है, सो जो पसंद करता है मतलब सिरोही में ब्राउन में, और पैच वाले काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जी इसके अलावा हमारा बाजू में भी है ना गाले हाँ, में? बाजू में थोड़े से छोटे साइज के बकरे हैं, वो भी देख लेते हैं। ओके तो छोटी साइज में हम बाजू में देख लेते हैं जी। अमजद भाई बाजू में हमने देखे वो काफी बड़े बकरे थे हाँ, और ये थोड़ा यहाँ पे हमारे 50 से 60 किलो के रेंज में काफी खूबसूरत बकरे हैं, 50 से 60 में। ये पूरे वाइट में भी है यहाँ पे, जैसे ये कुछ सोजत बताए थे भाई ने। ये भी 55 के आसपास होगा वाइट आइस में हाँ, ये 56 57 के आसपास का जी। ये रहेगा 55 के आसपास, वो पीछे में है माशाल्लाह। सारे बकरे लगभग 50 और 60 के रेंज में हैं। कुछ बकरे तो देखिए मुझे ऐसे लग रहे हैं हम जैसे कि मतलब ले लूं और अगले साल के लिए रुका दूं। रुका सकते हैं अगर कोई पालने वाला शौकीन हाँ, कोई शौकीन जिसके पास जगह है जैसे कि ये तो वो रख सकते हैं, काफी वाइट में है जो उन्होंने पकड़ा है। इसमें आपको मैक्सिमम बकरे मिलेंगे जो दो दांत के हैं। अच्छा दो दांत के तो हाँ। ये अच्छी बात है कि जो ये एक देखो ये काफी भरा हुआ बकरा है, ये 76 केजी माशाल्लाह ये इतना भरा हुआ है, तो उधर क्या भरा होगा भाई, हर जगह से माशाल्लाह भरा हुआ है। ये जैसे वहाँ था वैसे माशाल्लाह यहाँ पर भी है। अच्छा तो हाँ इसको ऐसा पकड़े खड़े जो ना साइड, इसका लुक अच्छा है। ये भी 55-50 के आसपास हाँ 55-50 के आसपास के है। इसको देख लूंगी मैं जब से माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। चप्पल पहनो ना पूरी बात लगती है हाँ, बस जैसे आप पकड़े हुए पकड़े खड़े रहिए, ऐसे उधर ही खड़े हो जाइए बकरा आगे लीजिए। ये 50-60 के आसपास के हैं। ये वाइट एक वाइट बकरा देखो बजरंगी, ये वाइट बकरा देखो, ये सामने ये इसको देखो, ये आगे वाले को हटाओ,
थोड़ा सा आप इधर आ जाइए बकरे को लेके, वो पीछे ना डार्क हो रहा है लाइट की वजह से। हाँ ये चलेगा सर जी। ये लोग और अंजय भाई आपने ये इसका क्या बताया था प्राइस किलो के हिसाब से? जो बिलो 50 है वो 460, 460 अबाव 50 का हमने 480 रखा है। ओके सो बकरे तो इतने माशाल्लाह है और इतने अच्छे हैं कि अगर अपन एक एक बकरा पकड़ने जाए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और मुझे ये पूछना था कि एक तो ये आप कुर्बानी के लिए सेल कर रहे हैं, हाँ प्लस इसके अलावा अगर किसको लॉट में आपको लेना है 12-15 बकरे 20 बकरे सेल करने के, हाँ लॉट में अगर कोई लेना चाहता है तो हमें कांटेक्ट करें इंशाल्लाह रीजनेबल रीजनेबल में। हमने काफी किया था ओके और इस बार भी हम कर सकते हैं ओके। एंड आगे का प्लान मतलब इसका सेल होने के बाद में वापस आगे का? देखो एक गाड़ी हमारी कल निकल रही है, एक लॉट आने वाला है 130 बकरों का, इंशाल्लाह परसों तक आ जाएगा जी। हाँ तो उसमें भी छोटे रेंज के भी हैं और बड़े रेंज के भी बकरे हैं। ओके हाँ और अपनी भिवंडी में कितने बकरे होंगे आपने बताया टोटल? भिवंडी में एट प्रेजेंट अभी 75 के आसपास बकरे हैं। 75 है उधर पे भी मतलब फिर फील करा जाएगा वापस बकरे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी। सो नंबर आपका स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहा है और आपको कॉल करने का या विजिट करने का कोई टाइमिंग है? मुझे कॉल कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और लोकेशन क्या है ये मुमरा में? ये लोकेशन ये है अल हिदाया स्कूल, जस्ट अपोजिट टू अल हिदाया स्कूल, इसको नाइस पार्क नाइस गार्डन की गली भी बोलते हैं, नाइस गार्डन जो टावर है उसकी गली में भी है। हाँ जी जी ओके सो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जजाकल्ला खैर ठीक है।